तो जस्ट यू के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की होगी या फिर जब भी आप एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हो या फिर इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहे हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है दैट इट इज़ ARAI सर्टिफाइड। मतलब बेसिकली कंपनीज अनाउंस करती है कि हमारी गाड़ी ARAI सर्टिफाइड है। और उसी के साथ साथ अगर आपने देखा होगा ओला स्कूटर का लॉन्च या फिर टाटा की तरफ से टाटा टिगोर ईवी का लॉन्च, तब भी आपने देखा होगा कि ये सारे मैन्युफैक्चरर्स इंप्लीमेंट करते हैं IDC स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रेंज। तो यहाँ पर आज का सबसे बड़ा सवाल तो आपके लिए ये है कि वॉट इज ARAI एंड वॉट इज IDC, लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। दोस्तों, सबसे पहले तो फुल फॉर्म ऑफ ARAI इज ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोमोटिव R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप किया है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने। यहाँ पर इनका काम है कि ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करे और असिस्ट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर फॉर्मुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड और रेगुलेशन ऑटोमोटिव्स के लिए। ARAI ऑफर करता है कॉम्प्रहेंसिव सर्टिफिकेशन और होमोलोगेशन सर्विस, और यहाँ पर ये अवेलेबल है सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज के लिए और उनके कंपोनेंट के लिए। यहाँ पर इसे डेवलप किया है, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग तरीके से सिमुलेशन लैब भी बनाया है जहाँ पर एंड टू एंड सॉल्यूशंस किए जाते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर इंडिया में लॉन्च होती है जिसका पावर है मोर देन 250 वॉट, तो और उसे ARAI की सर्टिफिकेशन या फिर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है अगर उन्हें उनकी गाड़ी को इंडिया में बेचना है। अब अगर हम बात करते हैं IDC, तो वॉट इज IDC? वेल, IDC स्टैंड फॉर इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस। बड़े बड़े मतलब प्रीमियम लोकेशंस के ऊपर तो गाड़ी कहीं भी चला सकते हैं, लेकिन ये जो होते हैं टेस्ट, ये एक्चुअली रियल रोड पे नहीं होते हैं, लेकिन ARAI के जो टेस्ट होते हैं ये किए जाते हैं यहाँ पर एक चैसिस डायनामोमीटर के द्वारा, जहाँ पर ऑलमोस्ट आइडियल कंडीशंस के ऊपर, मतलब जिससे आपको लगता है कि वे रियल वर्ल्ड सिनेरियोस की तरह ही वो टेस्ट किए जाते हैं। और यहाँ पर हालांकि सिमुलेशंस बिल्कुल आपके रियल वर्ल्ड को तो ऑब्वियसली मैच नहीं कर पाएंगे, बट देन कोशिश की जाती है कि उसी तरह ही सिमुलेशन किया जा सके और उसी के बेसिस के ऊपर आपको फाइनल नंबर्स शेयर किए जाते हैं। और दोस्तों, आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ये जो टेस्ट होते हैं दीज आर डन फॉर 19 मिनट्स ड्यूरेशन एंड दैट्स जस्ट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये सिमुलेट करते हैं दोनों सिटी और हाईवे रोड कंडीशंस को, और उसी के ऊपर आपको ये डायनामोमीटर के ऊपर डिटेल्स मिल जाते हैं जहाँ पर एवरेज स्पीड होती है अराउंड 31 किलोमीटर पर आवर। हालांकि यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन भी होता है ग्रेजुअली, और ऊपर से ऊपर टॉप स्पीड जो होती है वो 90 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं जाती है। हालांकि यहाँ पर इन टेस्ट को यहाँ पर आप देखते हो तो एल्टीट्यूड बिल्कुल काउंट नहीं होता है, एलिवेशन रोड का वो काउंट में नहीं आता है, वेदर काउंट में नहीं होता, और काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसे जनरली इग्नोर किया जाता है, एंड दैट इज़ वॉट इज द रीजन हमें काफ़ी सारे डिफरेंस देखने मिलते हैं। और सबसे बड़ा फन फैक्ट तो ये है कि भाई इन टेस्ट के अंदर जब भी गाड़ी का टेस्ट होता है तो वहाँ पर एयर कंडीशनिंग भी ऑफ होती है, और हम जब भी गाड़ी खरीदते हैं हम सीधा AC ऑन करते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ द माइलेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भाई हर एक इंडिविजुअल की अलग ड्राइविंग स्टाइल होती है और उसे हम सिमुलेट तो नहीं कर पाते हैं, और कितने भी वो मॉडर्न कंप्यूटर्स ले ले, सेटअप कर ले, ARAI के जो सर्टिफाइड रेंज है ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए अच्छी होती है कि भाई गाड़ी नंबर 1 वर्सेस गाड़ी नंबर 2, मतलब ओला वर्सेस एथर, एथर वर्सेस हीरो, हीरो वर्सेस चेतक, इन सबको अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं कंपनी की तरफ से तो क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, बट देन इन रियल वर्ल्ड कंपैरिजन दीज नंबर्स एक्चुअली डोंट रियली मैटर इज वॉट वी थिंक। हालांकि यहाँ पर डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज भी है जो अलग अलग नंबर्स भी प्रोवाइड करती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल MG ZS EV, जिसके अंदर आपको मिलती है 44.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, 2020 में जब लॉन्च हुई थी तो 340 किलोमीटर की रेंज अकॉर्डिंग टू ARAI अनाउंस की गई थी। लेकिन इस साल 2021 कंपनी ने सेम गाड़ी लॉन्च कर दी सेम बैटरी कैपेसिटी के साथ, लेकिन दिस टाइम दे केम आउट विद अ डिफरेंट एजेंसी विच इज ICAT, एंड नाउ द कंपनी वाज प्रॉमिसिंग 419 किलोमीटर रेंज। अब ये कैसे पॉसिबल है आप इस सोच लीजिए, मतलब अलग एजेंसी अलग रिजल्ट्स, और आपको बोला जाता है कि सेम बैटरी से भी आपको डिफरेंट नंबर, मतलब बड़ी रेंज मिल जाएगी, बट इन रियलिटी दोनों गाड़ियों का फाइनल रिजल्ट निकल के आया ऑलमोस्ट सिमिलर। सो दीज वे अगेन द बेसिक्स ऑफ ARAI IDC एंड वॉट कंपनीज प्रॉमिस
प्रॉमिस यू क्या बोला जाता है, बट देन इन रियलिटी जैसे ही आप दो लोग बैठ जाते हो गाड़ियों में, जैसे गाड़ी कंपनी की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि 50 kg, 60 kg का एक पर्सन सिंगल पर्सन गाड़ी चलाएगा 40 की स्पीड के ऊपर, और फिर मैं आ जाता हूँ पिक्चर में 80 kg वेट, मेरा फ्रेंड भी आ जाएगा 90 kg वेट, 170 kg ऑन द व्हीकल, एंड देन वी स्टार्ट ड्राइविंग द व्हीकल फॉर 60-70 किलोमीटर स्पीड, ऑब्वियसली रिजल्ट अलग निकल के आता है, विच इज द रियल रिजल्ट वी वॉन्टेड, बट देन कंपनीज की तरफ से डेटा निकल के आता है ARAI के थ्रू एंड ऑन द IDC. अगेन दिस वॉज मोर ऑफ ए नॉलेज शेयरिंग वीडियो, अगर आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के ईव रिलेटेड वीडियोज के लिए। मैं हूं अमित, मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।